हेलो एवरीवन वेलकम टू नॉलेज पॉइंट वी आर स्टडी केमिकल काइनेटिक्स और लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रिएक्शन रेट क्या है रिएक्शन रेट उसके बाद देखा था ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन और आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे मॉलिकुलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन तो मॉलिकुलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं और उन दोनों की जो बेसिक डेफिनेशन है या हाउ टू आइडेंटिफाई द मालिकुलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ ए गिवन रिएक्शन देखते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं मालिकुलैरिटी ऑफ़ ए रिएक्शन से एक्चुअली मॉलिकुलेरिटी क्या होती है मॉलिकुलेरिटी इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज और वो रिएक्टिंग स्पेसीवीज़ आपके एटम हो सकते हैं आयन हो सकते हैं और मालिक्यूल्स हो सकते हैं तो जो भी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज होगा जो कि कौन से स्पेसीज होंगे टैकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन बिच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कार्ड मालिकुलैरिटी ये इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई ये केमिकल रिएक्शन की बन है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी नंबर ऑफ मालिक्यूल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन को कैरीड आउट करने में वही उस रिएक्शन की मालिकुलैरिटी होती है कभी कभी क्या होता है कि सिंपल केमिकल रिएक्शन में आपको बहुत सारे मालिक्यूल्स दिखेंगे बट वो सारे मालिक्यूल्स आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे होते हैं तो जो प्रिंसिपल या एलिमेंट्री रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन्हीं नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स को कहते हैं मालिकुलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन और ये कई प्रकार का हो सकता है अगर सिंगल मालिक्यूल इन्वॉल्व है किसी एक स्पेसीज़ का तो वो कहलाएगा यूनी मालिकुलर बाई मोलिकुलर में दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज रिएक्ट करते हैं ट्राई मालिकुलर में इसी तरह से तीन स्पीसीज रिएक्ट करते हैं यूनी मालिकुलर देखिए आप जैसे डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट ये देखिए आप अमोनियम नाइट्राइट का जब डिसोसिएशन होगा तो क्या बनेगा नाइट्रोजन प्लस टू एस टू एक नाइट्रोजन का मालिक्यूल आएगा और दो वाटर के मालिक्यूल्स आएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे एक सिंगल स्पीसीज का डिसोसिएशन हो रहा है मींस जो भी डिसोसिएशन है या जो रिएक्शन है वो कैरीड आउट की जा रही है बाई द यूज़ ऑफ सिंगल मालिक्यूल दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड यूनी मालिकुलर रिएक्शन बाई मालिकुलर रिएक्शन का एग्जाम्पल है टू एच आई एरोस टू प्लस आई टी जब हाइड्रोजन आयोडाइड का डिसोसिएशन होता है कि इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन में तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए आप हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मालिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं तो ये रिएक्शन क्या हो है इसमें दो मालिक्यूल्स हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं या आप कह सकते हैं जो एलिमेंट्री रिएक्शन है वो दो मालिक्यूल्स के बीच में हो रही है वन एच आई कोलाइड विद दिन अदर एच आई मालिक्यूल्स तो ये दो मालिक्यूल्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं इसकी वजह से क्या हाइड्रोजन और आयोडीन बन रहा है तो इस वजह से ये जो रिएक्शन है इसकी जो मालिकुलरिटी है वो कितनी है दो है तो इसको क्या कहेंगे बाई मालिकुलर रिएक्शन कहेंगे ट्राई मालिकुलर रिएक्शन का एग्जाम्पल देखिए आप ऑक्सीजन प्लस टू एनओ इक्वल्स टू 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 यहाँ पे क्या हो रहा है दो आपके पास NO के मालिक्यूल्स हैं ये रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ सिंगल ऑक्सीजन के मालिक्यूल से। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो तीन मालिक्यूल्स के बीच हो रहा है दो NO के हैं और एक ऑक्सीजन का है तो इस वजह से ये रिएक्शन क्या कहलाएगी आपकी ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन या टर रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपने क्या देखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन का इस तरह से गिवन होता है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन रेट अगर आपका इस तरह से लिखा हुआ है रेट इक्वल्स टू के कंसनट्रेशन ऑफ ए रेस्ट टू पावर एक टू कंसनट्रेशन ऑफ बी रेस्ट टू पावर वाई तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता था एन इक्वल्स टू एक्स प्लस बाई और ये जो एक्स और बाई की वैल्यू थी ये स्टेच्योमेट्रिक कॉन्स्टेंट से डिफरेंट थी और ये जो वैल्यूज़ हैं ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की जाती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए तो आपने समझ लिया यहाँ से मालिकुलरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है बेसिकली यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अभी तक आपने देखा था यूनि मालिकुलर बाई मालिकुलर एंड टर मोलिकुलर रिएक्शंस देखे थे अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं किसी रिएक्शन में मोर देन थ्री मालिकुल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हों ऐसा होता है बट इट इज़ वेरी रेयर बहुत ही कम चांसेस ऐसे होते हैं कि मोर देन थ्री मालिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करें और अगर ऐसा होता भी है तो जो ये रिएक्शन होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है देखिए आप यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन थ्री मालिक्यूल्स कैन कोलाइड एंड रिएक्ट साइमल्टेनियसली इज़ वेरी स्मॉल हेंस रिएक्शंस विद मालिकुलरिटी थ्री आर वेरी रेयर एंड स्लो टू प्रोसीड इसमें कहा गया कि जो मालिकुलरिटी थ्री की रिएक्शंस है वो भी काफ़ी कम होती हैं काफ़ी रेयर होती हैं तो जो मालिकुलरिटी फोर हो गई वो और भी ज़्यादा रेयर होंगी उनको आप नेगलेजिबल भी मान सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मोर देन थ्री मॉलिक्यूल्स इन द इक्वेशन मस्ट एक्सप्लेस इन मोर देन वन स्टेप इसका कहने का मतलब है कि जो रिएक्शंस जिनमें मोर देन थ्री मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो उस केस में क्या होगा कि वो रिएक्शंस क्या है मोर देन वन स्टेप्स में कैरीड आउट होती हैं तो इस वजह से क्या होता है उनकी मालिकुलेरिटी कम ही होती है मीन्स ज़्यादा नहीं होती मोर देन थ्री होने के चांस कम होते हैं क्योंकि वो सिंपल सिंपल स्टेप्स में कैरीड आउट होती हैं बट आपका जो केमिकल रिएक्शंस होगी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिखेगी बट एक्चुअल में वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं हो रहा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शंस के फॉर्म में हो रहा होता है स्टेप बाय स्टेप और ये सारे स्टेप्स मिलकर क्या बनाते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनाते हैं जो आपको नज़र नहीं आते हैं बट एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शंस का सम होता है बेसिक डिफरेंस देख लीजिए आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ज़ीरो हो सकता है आपने देखा था एक्स प्लस वाई एन बराबर था इसके एन की वैल्यू जीरो भी हो सकती थी और ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है एन कैन बी ज़ीरो और ये फ्रैक्शन भी हो सकता है किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ज़ीरो हो सकता है फ्रैक्शन होता है बट मालिकुलरिटी किसी भी रिएक्शन की कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती मींस ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर वन पॉइंट फाइव हो बट ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी रिएक्शन की मालिकुलरिटी वन पॉइंट फाइव हो ऑर्डर कैन भी ज़ीरो बट मालिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो एलिमेंट्री रिएक्शन एज़ वेल एज ऑन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों पे एप्लीकेबल होता है बट मालिकुलरिटी इज़ ओनली फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की मॉलिकुलरिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एलिमेंट्री रिएक्शंस के फॉर्म में होती हैं स्टेप वाइज स्टेप और उन स्टेप्स को ऐड करने के बाद क्या आपको एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिखती है एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में होते हैं इस वजह से मॉलिकुलरिटी जो होती है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए है अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन होगी उसके लिए रेट कॉन्सटेंट को ड्राइव करेंगे हम लोग तो सबसे पहले बात समझते हैं जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है उसका मतलब क्या है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके जीरो पावर ऑफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स मीन्स जो भी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी वो उसके लिए जो रेट कांस्टेंट होगा रिएक्शन का वो प्रोपोर्शनल होता है किसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेस्ट टू पावर ज़ीरो कैसे फॉर एक्जाम्पल आप कंसिडर करिए कि, कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें आर रिएक्टेंट्स हैं और वह कन्वर्ट होकर बना रहे हैं पी प्रोडक्ट्स तो इसके लिए अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें तो क्या होगा रेट इक्वल्स टू माइनस डी आर ओ वे डी टी यही तो होगा यहाँ के लिए लिखना चाहें आप तो क्या होगा प्लस डी पी ओ वे डी टी देर इज नो इशू क्योंकि यहाँ पर कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव शाइन है यहाँ पर रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर निगेटिव शाइन आ गया तो आपने लिख लिया यहाँ पे रेट लिख लिया रेट था आपके पास माइनस डी ओ बी डी टी कंसनट्रेशन आर बट आपको डेफिनेशन से पता चला कि जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं उनके लिए जो रेट ऑफ़ रिएक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है जीरो पावर ऑफ द कंसनट्रेशन के तो यहाँ पर रख दीजिए कन्सनट्रेशन कितनी है आर और कंसनट्रेशन को डिनोट कैसे करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से तो क्या किया आपने कंसनट्रेशन ऑफ आर की पावर जीरो ये प्रोपोर्शनल किसके था रेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या प्रोपोर्शनल था तो यहाँ से क्या गया rate of reaction आ, गया आ गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ गया आपका माइनस डी आर ओ वे डी टी प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा जिसको कहेंगे रेट कॉन्स्टेंट और कंसनट्रेशन ऑफ आर रेट टू पावर जीरो क्योंकि रिएक्शन जो है आपकी वो जीरो ऑर्डर की है तो जीरो किसी की अगर पावर जीरो है तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू हमेशा बन होती है तो यहाँ से क्या आ जाएगा के आ जाएगा तो यहाँ से आपको क्या मिल गया माइनस डी आर ओ वे डी टी कल्स टू के तो यहाँ से डी आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा डी इस तरफ आ जाएगा आपका माइनस के डी हो जाएगा अब इसको क्या कीजिए आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों साइड में तो इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा आपको इसका भी इंटीग्रेशन कर दीजिए आप और इसका भी इंटीग्रेशन कर दीजिए तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको आर इक्ल्स टू माइनस के तो भाई डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी प्लस एक कॉन्सटेंट आ जाएगा सी अब कॉन्सटेंट सी की वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करेंगे आप क्या करिए यहाँ पे टी इक्स टू जीरो पुट कर दीजिए तो टी इक्ल्स टू जीरो पे कंसनट्रेशन आर की कितनी है आप मान लीजिए वो है आर नॉट एट टी इक्वल्स टू जीरो पे रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन कितनी है आर नॉट तो सी और टी की वैल्यू यहाँ से जीरो आ जाएगी तो सी इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ से सी इक्वल्स टू आ गया आपके पास आर नॉट तो ये वैल्यू सी की यहाँ पे पुट अप कर दीजिए आप सी की वैल्यू क्या निकाली आपने कंसनट्रेशन ऑफ आर ए टी टू जीरो सीक्ल्स टू आर नॉट ये वैल्यू आप यहाँ पर उठप कर दीजिए तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा देखिए आप, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस कंसनट्रेशन ऑफ आर नाट ये तो आ जाएगा रिजल्ट आपके पास देखिए यहाँ से ये रहा रिजल्ट अब अगर ग्राफ ड्रा किया जाए बिटवीन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड टाइम टी के बीच ग्राफ ड्रा किया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से देखिए आर नॉट क्या है ये कॉन्स्टेंट है टी क्या है टाइम आर क्या है कंसन्ट्रेशन तो इसके बीच आप ग्राफ ड्रा कीजिए ये तो रही आपकी कंसनट्रेशन ये रहा आपका टाइम तो माइनस के स्लोक की एक आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरह से इस ग्राफ में देखिए आपको नज़र आ रही होगी ये स्ट्रेट लाइन आप फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली आप बाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर कर लीजिए यहाँ से स्लोप आपको नज़र आ जाएगा माइनस के एक्स एक्सिस पे आपका टाइम डिफाइन है और वाई एक्सिस पे आपकी कंसेंट्रेशन गिवन है रिएक्टेंट्स की सी आपका कांस्टेंट है देखिए आप यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी माइनस के जिसका स्लोप होगा तो आपको इस तरह की ग्राफ अगर गिवन है तो भी आप ग्राफ को देख के क्या फाइंड आउट कर सकते हैं आपको आइडिया लग जाएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है यहाँ से आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है इसको आप रिमेंबर कर लीजिए नोट भी कर लीजिए साथ में कि कंसनट्रेशन आर ऑफ़ आर इक्वल्स टू माइनस ए टी प्लस आर नॉट यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट करिए तो क्या आएगा रिजल्ट आपके पास के इक्वल्स टू आ जाएगा आर नॉट माइनस आर अपॉन टी ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले हैं सारे फार्मूले तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर रिलेटिवली अनकॉमन मतलब जनरली अनकॉमन रिएक्शंस हैं बट कैन अकर अंडर द स्पेशल कंडीशंस जनरली जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस नहीं अकर करती हैं बट इन अंडर द सम स्पेशल कंडीशंस दीज रिएक्शंस कैन बी अकर्ड अब बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की सेम डेफिनेशन है वहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर आप जीरो लगाते थे जीरो ऑर्डर की रिएक्शन थी यहाँ पे क्या होगा जो रेट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन रेज टू पावर वन के तो रेड इक्ल्स टू क्या आएगा माइनस डी आर ओ वे डी टी इक्वल्स टू के आर वन क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए आर की पावर कितनी है वन दिख रही है आपको तो यहाँ से क्या आ जाएगा के इंटू आर आर क्या थी कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स तो यहाँ से क्या करिए आप तो आपके पास रिज़ल्ट क्या पहले रिजल्ट देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया यहाँ से डी आर ओ वे डी टी माइनस का इक्वल्स टू के इंटू आर तो डी आर ओ वे आर क्या हो जाएगा यहाँ से आर को आप यहाँ ले आ जाइए और डी टी को आप यहाँ ले जाइए तो इससे क्या हो जाएगा जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डी आर डी आर अपॉन आर इक्वल्स टू माइनस के डी टी हो जाएगा ये देखिए आप कैसे इस आर को आप यहाँ ले गए और इस डी टी को आप यहाँ ले गए तो आपका रिजल्ट क्या आएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ये अब क्या करिए आप इंटीग्रेशन कर दीजिए आप ये रहा इंटीग्रेशन का साइन इस तरह से इंटीग्रेशन कर दिया तो डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा ये मिलेगा आपको एल एन आर और यहाँ पे ये कंसंट्रेशन आप आ रहा है तो इसको ब्रैकेट में रखिए आप क्योंकि कंसंट्रेशन को हमेशा ब्रैकेट से ब्रैकेट के अंदर ही डिनोट करते हैं तो एल एन आर इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास माइनस के टी प्लस कॉन्सटेंट सी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी होगा तो माइनस के टी प्लस सी आ गया अब सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करिए आप टी की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास टी की वैल्यू जीरो रखेंगे एट टाइम टी इक्ल्स टू जीरो कंसनट्रेशन ऑफ आर इक्वल्स टू अगर आपकी आर नाट है तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए आप आर नाट एल एन आर नाट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा प्लस सी तो सी की वैल्यू कितनी आ गई एल एन आर नाट देखिए आप सी की वैल्यू आ गई आपके पास एल एन आर नाट अब ये जो सी की वैल्यू है ये आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो यहाँ पे पुट करने के बाद आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा एल एन आर इक्व्स टू माइनस के टी प्लस सी की जगह क्या आ गया प्लस एल एन आर नाट ये देखिए आप रिज़ल्ट यही आया ना आपका एल एन आर इक्ल्स टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नाट अब क्या करिए आप ये जो एल एन आर नाट है इसको इस तरफ ले जाइए और माइनस के टी को इधर ही रहने दीजिए तो इससे क्या हो जाएगा एल एन आर माइनस एल एन आर नाट इक्ल्स टू माइनस के टी अब माइनस साइन को अगर आप इस तरफ ले आते हैं तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा एल एन आर नाट माइनस एल एन आर इक्वल्स टू के टी अब आपको पता है एल एन ए माइनस एल एन बी की बने तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप एल एन ए अपन बी भी लिख सकते हैं तो वही पे देखिए सिंपलीफाई किया गया लॉग को तो एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर क्या हो जाएगा एल एन आर नॉट अपान आर इक्वल्स टू क्या आ गया के टी आ गया तो यहाँ से क्या मिल जाएगा रिजल्ट आपको अगर के की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा के इक्ल्सू हो जाएगा आपका वन अपान टी एल एन आर नॉट अपान आर देखिए आप रिजल्ट देखिए केक प्लस टू वन अपान टी एल एन आर अपान आर अब इसको अगर आप लॉग बेस टेन में रखना चाहें तो क्या हो जाएगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से क्या के की वैल्यू क्या आ जाएगी टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी आर नॉट अपान आर ये तो वैल्यू हो जाएगी ये दिख रही है आपको एल एन के टर्म्स में ये हो गया राइट right कॉन्स्टेंट आपका लॉक के टर्म्स में ये हो गया बस आपको क्या करना है एल एन को लॉक में कन्वर्ट करना है तो सिंपली टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री का मल्टीप्लीकेशन कर देना है ये सारे फार्मूले जो हैं वो आप नोट करते जाइए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्प करेंगे अब आप कंसीडर करिए कि कोई टाइम टी था टी पे कंसंट्रेशन कितनी थी आर थी अब टाइम टी वन पे कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है आर वन हो जाती है रिएक्टेंट्स की टाइम टी टू पे कंसनट्रेशन कितनी हो जाती है आर टू हो जाती है तो जो ये रिलेशन आपने फाइंड आउट किया था एल एन आरस टू माइनस के टी एल एन आर नाट यहाँ पे क्या करिए आप टाइम t1 पे क्या हो जाएगा ये रिलेशन टाइम t1 पे यहाँ पे हो जाएगा ln एन आर वन माइनस के टी वन प्लस एल एन आर वन यही तो हो जाएगा तो ये वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या हो जाएंगी थी एल एन आर वन माइनस के टी वन प्लस एल एन आर नॉट यही तो हो गया आर नॉट क्या था आर नाट कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस एट टाइम जीरो तो ज़रूरी नहीं है टाइम जीरो पर क्या होगी कंसनट्रेशन हमेशा क्या रहेगी आर नाट से ही तो आपने डिनोट की थी तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो ये रिलेशन है ये, ये रिलेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर द अनदर टाइम टी वन पर ये रिलेशन क्या हो जाएगा देखिए आप एल एन कंसनट्रेशन एट टाइम टी वन तो यहाँ पे भी वन कर दीजिए बट आर नाट क्या रहेगा आर नाट तो टाइम जीरो पे थी तो टाइम जीरो पे तो सेम ही रहेगी तो रिलेशन आ गया आपके पास एल एन आर वन इक्वल्स टू माइनस के टी वन प्लस एल एन आर नाट Similarly for time t2, ln r2 equals to minus k t2 plus ln r0. टू प्लस एल एन आर नॉट अब क्या करिए आप इन दोनों equations का डिफरेंस ले लीजिए इक्वेशन वन से आप इक्वेशन टू को माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास रिजल्ट एल एन आर वन माइनस एल एन आर टू इक्ल्स टू माइनस के टी वन प्लस के टी टू ये माइनस होगा साइन क्या होगा प्लस का हो जाएगा और ये ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों टर्म तो यहाँ से देखिए आपको क्या रिजल्ट मिल गया एल एन आर वन माइनस एल एन आर टू को आप क्या लिख सकते हैं एल एन आर वन अपन आर टू इक्वल्स टू के कामन ले लिए तो यहाँ से क्या आएगा टी टू माइनस टी वन आ गया तो यहाँ से आपको जो रेट कॉन्स्टेंट का रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा K equals to 1 T2 T1 LN R1 R2. के इक्वल्स टू वन अपान टी टू माइनस टी वन एल एन आर वन अपान आर टू इसको लॉक के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो आप तो क्या मिल जाएगा रिजल्ट के इक्वल्स टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री टी टू माइनस टी वन कंसनट्रेशन ऑफ आर एट टी वन अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिज़ल्ट इंपॉर्टेंट है आपका अब बात करते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस हैं गैसियस फॉर्म में क्या होगा गैसियस फॉर्म में जब आपकी रिएक्शन होगी तो हम लोग जनरली बात करते हैं गैस के प्रेशर की कंसंट्रेशन की बात नहीं करेंगे यहाँ पे बात करेंगे पार्शियल प्रेशर की तो मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन गिबन है इस तरह से ए गैसियस फॉर्म में है वो कन्वर्ट हो रहा है बी प्लस सी में तो अगर आपके पास ये ए है इसका जो इनिशियल प्रेशर है वो है पी आई आपने कंसीडर किया कि जो आपके पास इनिशियल प्रेशर ऑफ ए है वो क्या है वो पी आई है और टोटल प्रेशर एट एनी टाइम टी पे क्या है पी टी है तो टोटल प्रेशर क्या होगा यहाँ पे देखिए आप टी पी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी वी प्लस पी सी ये तो होगा टोटल प्रेशर तो आपके पास टाइम टी बराबर जीरो पे क्या था इनिशियली क्या था इनिशियली आपके पास पी आई एटमोसफेरिक प्रेशर ये प्रेशर था किसका था ये ए का था बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि जो ए का प्रेशर था वो कम हुआ बाय द फैक्टर ऑफ एक्स और जो बी एंड सी प्रोड्यूस जनरेट हुए इनका प्रेशर एक्स ए हो गया बी का भी एक्स हो गया और सी का भी एक्स हो गया तो यहाँ से पी टोटल अगर आप फाइंड आउट करना चाहें या पी एट ए टाइम टी पे क्या हो जाएगा तीनों के प्रेशर का सम कर दीजिए आप पी माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ये तो जाएगा टोटल प्रेशर तो यहाँ से टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा ये ये कैंसिल आउट हो गया तो पी आई प्लस एक्स आ गया ना तो पी टी क्लस टू आ गया आपके पास पी आई प्लस एक्स यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए अब तो क्या आ जाएगा पी टी माइनस पी आई अब जो पार्शियल प्रेशर है आपके पास ए का ए का प्रेशर क्या था पी आई माइनस एक्स था तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आप क्या करिए यहाँ अप कर दीजिए तो क्या आ जाएगा एट टाइम टी पे क्या हो गया था प्रेशर पी आई माइनस एक्स हो गया था और एक्स की वैल्यू आपके पास है ये टोटल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर तो ये वैल्यू आप यहाँ पुटअप कर दीजिए तो वैल्यू जब आप पुटअप करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा पी ए इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए तो रिजल्ट मिलेगा आपके पास पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई तो पी आई प्लस पी क्या हो गया टू पी हो जाएगा माइनस पी हो जाएगा तो यहाँ से ए का जो प्रेशर आया वो कितना आया पी इक्वल्स टू टू पी आई माइनस पी टी बट रेट कॉन्स्टेंट इन दिस केस क्या होगा रेट कॉन्स्टेंट इन दिस केस होगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन प्रेशर ऑफ ए तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ ए की वैल्यू कितनी निकाली आपने टू पी आई माइनस पी टी तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट अप कर दीजिए प्रेशर ऑफ ए तो रेट कॉन्सटेंट क्या आ गया टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन टू पी आई माइनस पी टी ये आ गया एल एन के टर्म्स में रखना है तो ये वैल्यू आप हटा देंगे एल एन के एलन लिख देंगे यहाँ पे तो आपको क्या समझ में आ गया यहाँ पे आपने यहाँ पे कैलकुलेट की वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ये जो भी डेरिवेशन थे जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन था फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन था लिक्विड फॉर्म में और किस फॉर्म में गैसेस फॉर्म में गैसेज फॉर्म गैसे में आपने देखा था प्रेशर की बात करते हैं अनदर फॉर्म में आप क्या बात कर रहे थे आप बात कर रहे थे कंसनट्रेशन की अदरवाइज आप बात कर रहे थे प्रेशर की यहाँ पे आपने रेड कांस्टेंट के डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलेज देख लिए अब ये जो फार्मूले हैं ये आपके यूज़ होने वाले हैं नूमेरिकल्स में तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स और जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी देखेंगे थैंक यू सो मच